बोलता है आप उसे बोलोगे हिंदी बोलोगे तो वो हिंदी बोल देंगे। बाकी देखो जितना है पोस्ट ऑफिस के बारे में अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, मतलब धीरे धीरे जैसे पीएलआई के बारे में कुछ पता होता है, मैं कोशिश करता हेल्प करूँ बट नहीं हो पाता, अभी कुछ नॉलेज नहीं है उतना पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होती है, कौन कौन सी योजनाएं धीरे धीरे आएंगी समझ। गवर्नमेंट ऑफिस देखे होंगे जहाँ पे है ना आपने को परेशान किया जाता है, नहीं है कि सब ऑफिस में ऐसे होता है, कुछ 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 ऑफिसों में होता है तो उसकी वजह से सारे ऑफिसों को बदनाम करना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मैं पोस्ट ऐसे बोलते हैं तो जो छवि गलत बनी हुई है उसको अपन को सही करना है। अपन आ रहे हैं नए डिपार्टमेंट तो अपना उनको बैच देना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत भाई मेरे से पूछ रहे थे आपका एक्सपीरियंस बता दो पोस्टल असिस्टेंट के बाद कैसा लगा, तो मैंने अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था। ट्रेनिंग में मतलब जो जो सिखाया था लाइक ओवरव्यू दे देते हैं सबके बारे में कि क्या एसबी काउंटर है, क्या आरडी काउंटर है, क्या एनपीसीएम पे क्या होता है, मेल पे क्या होता है। तो मेरे को मेल भी थोड़ा समझ आया था सुबह वाला काम, बाकी क्लोज बैक वगैरह करना वो मेरे को समझ आया, एमपीसीएम मुझे अच्छे से आ गया था। तो जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे एमपीसीएम दिया था, मतलब कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती थी जैसे एक्नॉलेजमेंट वगैरह का टिक लगाना, वो धीरे धीरे जैसे मैं बैठा तो ऐसा होता है कि मतलब पूछ पूछ के सीख जाते हैं। तो एमपीसीएम में ज़्यादा कुछ नहीं, देखो तीन स्टिकर होते हैं, एक स्पीड पोस्ट का होता है, एक रजिस्ट्री का होता है, एक पार्सल वाला होता है। वो तीन स्टिकर अलग जिसको जो कराना है वो कराते हैं। तो पार्सल का शायद पार्सल का 3600 रुपये लगता है मिनिमम, और रजिस्ट्री का 2200 रुपये लगता है, और एक्नोलॉजमेंट के साथ 2500 रुपये लगता है, और स्पीड पोस्ट का मिनिमम 41.30 रुपये लगता है, मतलब 41 रुपये लगते हैं। तो बाकी यही सब है, और कुछ मनी ऑर्डर के होते हैं, बस यही सारा काम रहता है बाकी। और बाद में सब ऐसा होता है जैसे 3 बजे हमारा काउंटर बंद हो जाता है, यानी मंडे से फ्राइडे रहता है 3 बजे तक, और सैटरडे को रहता है 1 बजे तक। तो 3 बजे के बाद भी बहुत लोग होते हैं जो आते रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। तो हमारा ऐसा होता है 3 बजे काउंटर बंद कर देते हैं, बट जो लाइन में जितने भी लोग लग रहे होते हैं ना उन सबके पार्सल लेके रख लेता हूँ, और फिर उनको मतलब करते रहते हैं जब तक होता है। तो उसको करने में लगभग 20-25 मिनट एक्स्ट्रा ही चले जाते हैं। कुछ बंडल भी होते हैं और वो बंडल वाले होते हैं उनको अलग से पहले ही लेके जैसे क्या होता है लाइन में कुछ लोग बीच में आते हैं बंडल लेके अपने, मान लो 40 का लेके आ गए, अब उनका लाइन में करने लगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, और जो लाइन में लग रहे हैं वो फिर वेट करते रहेंगे उनका एक के लिए, वो 40 के तक का वेट थोड़ी ना करेंगे। तो हम 40 को लेके अलग रख लेते हैं और उनका सिंगल सिंगल वालों का पहले करते रहते हैं, और उनको बोल देते हैं कि भाई 4-5 बजे आना, जब हमारा मतलब जैसे हम लाइन को फ्री कर देंगे फिर आप ये करेंगे, फिर आपकी रिसिप्ट उनके नाम से रिसिप्ट लिख के उनको बाद में दे देते हैं। बाकी मैक्सिमम सोचते हैं कि टिकट वाले हों जिससे हमारी पेमेंट में दिक्कत ना हो, और अगर कोई पैसे वाला होता है तो वो पैसे रख के चले जाता है जितने भी होते हैं पार्सल का उतना बना के उनको पार्सल वाले, वो ज़्यादातर ऑफिस वाले रहते हैं तो उनमें टिकट्स वगैरह लगी होती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती उसमें। और बाद में ऐसा होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब पोस्ट ऑफिस वाले मतलब कोई भी सरकारी नौकरी में मतलब आते हैं तो काम नहीं होता मजे मस्ती, मतलब भाई हमारे ऑफिस में मतलब मैंने ये देखा कि काम सब करते हैं और पूरा मतलब ऐसा होता है कि 10 से 3 तो सब लगे रहेंगे, कोई अपनी चेयर वगैरह नहीं उठता, सब काम करते रहेंगे 10 से 3 के बाद। आप जैसे मेरा है और काउंटर 3 बजे बंद हो जाते हैं, पर कोई उठता नहीं है क्योंकि सबका जो पेंडिंग वर्क होता है, और उनसे ऐसा होता है कि हमको 4:30 बजे तक वहाँ पे 4:30-5 बजे तक जितना भी हमारे पास कैश वगैरह आया होता है वो हमको कलेक्ट करके ट्रेजरी ऑफिस में देना होता है। तो वो ट्रेजरी वाले सर भी बोलते रहते हैं जल्दी लो, तो हमारा काम है कैलकुल जितने भी आए हैं उन सब का अमाउंट करना कितना आया है, और उनको चढ़ाना भी होता है तो वो सब करना होता है। मैं वैसे दिक्कत बताता हूँ, जैसे मेरे को मराठी नहीं आती तो बहुत लोग जैसे मेरे काउंटर पर आते हैं मराठी में बोलते हैं, अगर मेरे मतलब का हुआ कुछ समझ आया तो मैं समझाता हूँ, बाकी मैं अश्विन सर की तरफ भेज देता हूँ क्योंकि वही एक मतलब ऐसे बंदे हैं, मतलब हर किसी की हेल्प करते रहेंगे जितना भी होगा ना उनसे, मतलब वो बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पफुल बंदे हैं बहुत, मतलब जितना भी आएगा जितना हो सकता है ना मतलब किसी का हमारा ये है जैसे एक तो जितने जवान आ रहे हैं ना तो यही रहना चाहिए अपना कि अपन को किसी को परेशान नहीं होने देना। देखो जो लोग आते हैं जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मान लो 3:30 बजे भी 3 बजे काउंटर बंद हो गया पर कोई 3:30 बजे आया और मैं लाइन में जितने होते हैं उनके सबके रख लेता हूँ पहले 3 बजे तक जितने लाइन में लग रहे होते हैं सबके, पर फिर भी कुछ 3:30 बजे लेके आ रहा है और वो बोलता है भैया मैं बहुत दूर से आया, कुछ भी होता है तो अगर एक आध होता है तो देखो अपन कर देते हैं, अपन को ऐसा कोई नहीं है कि 3 बजे का टाइम है तो 3:30 नहीं करना, बाकी अपन आगे से उसको बोल देते हैं कि भाई आगे से टाइम पे आना, अब तो ले लिया है अगली बार नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बॉक्स ले लेके आते हैं 3:30 बजे, अब वो इतनी दूर से लेके आए और अभी ऐसा तो है नहीं कि अपन उठ गए हैं, तो एक आध करने में अपन का कुछ नहीं जाता, तो एक आध कर देना चाहिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना हिसाब हिसाब जुड़ जाए उसके बाद अगर वो टिकट लगा के दे तो भी कर देना चाहिए जितना हो सके। देखो आपको अपन हेल्प करने आए हैं तो जितना हो सके अपन हेल्प करेंगे तो उतना अच्छा है। और बाकी देखो मेरे को बहुत सारी चीज़ें अश्विन सर सिखाते रहते, कुछ भी प्रॉब्लम आई वो कर देते हैं, उनको मतलब सारी चीज़ें आती मैक्सिमम, और हमारे स्टाफ में सभी हेल्पफुल हैं कोई भी।
मेरे से पूछ रहे देखो देखो टाइम मिलता है पढ़ने का, देखो पढ़ने का टाइम ऐसे 10 से 3 में तो आप भूल जाओ, क्योंकि 10 से 3 तो आपको बैठे ही रहना है और अपना पूरा काम करना है, और जितना हो सके देखो अपना बैठ देना, तो क्योंकि आप आए हैं तो अपन को अपना बैठ देना है, काम करना है अपन को। 10 से 3 तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप कुछ कर रहे हो, और जो ऑफिस टाइम है 10 से 6, तो 6 बजे के बाद आप जाके अगर कोई देखता है, देखो खाने वाने का बनाने का रहता है, खाना खाने का रहता है, पढ़ने का अगर आप कर सकते हो तो रात को कर सकते हो 9 से 11, ऐसा 9 से 11, और सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि सुबह 10 बजे ऑफिस होता है तो आप जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, तो यही पढ़ने का बना सकते हो। हाँ तो बहुत भाई देखो प्रॉब्लम के बारे में पूछे, देखो प्रॉब्लम ऐसे तो कुछ नहीं आती, देखो लैंग्वेज वैरियर तो कुछ नहीं है, अगर मराठी में कोई बोलता है आप उसे बोलोगे हिंदी बोलोगे तो वो हिंदी बोल देंगे, बाकी देखो जैसे मेरे को दिक्कत क्या आती है, जैसे मेरे को PLI हुआ, सुकन्या हुई, मतलब बहुत सारी योजना है पोस्ट ऑफिस, इनके बारे में अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, मतलब धीरे धीरे जैसे PLI के बारे में तो समझ आया, सुकन्या के बारे में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो कौन कौन से खाते खोलते हैं ये सब नहीं पता। अब जैसे अश्विन सर है वो बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब उनको सब पता है, तो वो मेरे से साइड वाले काउंटर पे है तो मैं उनके पास भेज देता हूँ, और वो मतलब तुरंत हेल्प कर देते हैं, वो मतलब ऐसा करते हैं कि बंदा कोई आया ना उसको परेशान नहीं होने देते, सही मतलब राय देके अपना और उसको बता देते हैं, मराठी में बताते हैं तो लोगों को और अच्छा लगता है। अब मेरे को देखो जितना पता होता है मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करूँ, बट नहीं हो पाता, अभी कुछ नॉलेज ही नहीं है उतना, पोस्ट ऑफिस में क्या क्या होती है, कौन कौन सी योजनाएं, धीरे धीरे आएंगी समझ, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ है, 1 महीने में मैंने जितना सीखा उतना मेरे को समझ आता है, मैं उतनी हेल्प कर देता हूँ। और देखो जैसे मेरे काउंटर है मान लो, तो मैं अब काउंटर एन्जॉय करता हूँ, जैसे अब अपना MPCM है तो उसको करने में आप अगर एन्जॉय करोगे तो देखो मेरे को है ना सही बता रहा हूँ 10 से 2 तो मेरे को पता ही नहीं चलता कब बजे, मतलब 2 से 2 बजे का टाइम तो ऐसा निकल जाता है फटाक से, और 2 से 3 में थोड़ा रहता है, और फिर 3 बजे के बाद तो पता ही लग जाता है कि काउंटर बंद करना ही है, क्योंकि बहुत पीछे से आवाज आती है कि काउंटर बंद कर दो, है ना, और तो ये सब चलता रहता है उसके बाद। और देखो पढ़ाई वढ़ाई का आप अपना देख लेना जैसे जैसे, और देखो मैं खाने वगैरह का बता, तो खाने का ऐसा कोई सुबह खा सकता है 10 बजे से पहले तो ठीक है, एक तो देखो 10 से 3 तो आपको खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, 3 बजे भी आप नहीं उठ सकते, 3:30 तो मान के चलो, 3:30 पौने 4 तक तो लाइन का ही रहेगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो एक बार उठ सकते हो खाने के लिए, फिर 10 5 10 मिनट के लिए, बट वापस आना पड़ेगा आपको कैश वगैरह। देखो जैसे क्या होता है, अब अपनी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अपन ने बहुत ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस देखे होंगे जहाँ पे है ना अपनों को परेशान किया, जैसे हम भी आए हैं बहुत गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था यहाँ से वहाँ भगाते हैं वहाँ से यहाँ भगाते हैं और काम नहीं होता, 4 4 5 5 दिन का डिले होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि सब ऑफिस में ऐसे होता है, कुछ 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 ऑफिसों में होता है, तो उसकी वजह से सारे ऑफिसों को बदनाम करना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मैं पोस्ट ऑफिस के बारे में बताता हूँ, हम साइड में कल शूज़ वगैरह लेने गए थे तो उन्होंने अंकल ने ऐसे बोला कि पोस्ट ऑफिस में काम वाम नहीं होता, बट हमने उनको ऐसे बोला कि आप आना एक बार, अब विजिट करना, अब हम लोग हैं एक बार विजिट करना कि अब बताना काम होता है नहीं होता, तो उनको अच्छा लगा, फिर वो भी बोले कि सही है युवा नौजवान आ रहे हैं काम करेंगे तो अच्छा है, तो सबको वही चाहिए, देखो आप काम करोगे जैसे हम हैं, तो हमने बहुत चीज़ देखी है कि गवर्नमेंट ऑफिस में क्या क्या होता था, काम नहीं होते सब ऐसे ही बोलते हैं, तो जो छवि गलत बनी हुई है उसको अपन को सही करना है, अपन आ रहे हैं नए डिपार्टमेंट तो अपना उनको बैच देना है, तो देखो अब जैसे मैं हूँ अपना जितना हो सकता है उतना बैच देने की कोशिश करता हूँ, बहुत हमारे स्टाफ में मैक्सिमम जितने भी मैंने देखे ना सब अपने बैठ देते हैं, बहुत अच्छे से काम करते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई उठ के भग जाएगा, ऐसा नहीं है कि बंद करा, सब अपना मतलब जितना हो सकता है ना उतना करते हैं, और बहुत लेट लेट तक बैठे रहते हैं। अब मेरे साथ भी एक साथ एक हुआ था MPCM काउंटर पर, तो एक भैया बोल रहे थे कि आप है ना लोग क्या है 3 बजे काउंटर बंद करके खाना खाने भग जाओगे, आपका रेस्ट हो जाएगा लंच हो जाएगा, बट मैं सही बता रहा हूँ मैं खाना ही लंच ही नहीं लेके जाता, और 3 बजे तो मैं कभी उठा ही नहीं हूँ, बट वो उनको बोला उन्होंने, मैंने कहा सर आप कभी आके देखना, मैं और तो क्या बोल सकता था, मैंने कहा सर आप कभी आप 3 बजे आके देखना कि कैसा रहता है, तो उनके साथ क्या होता कि वो बंडल देके गए थे तो उनको आना पड़ा 5 बजे तक, फिर बोलते यार तुम उठते ही नहीं हो गया, तो उनको भी लगा कि मैंने कहा भाई सर जब तक हमारा काम नहीं होगा पेंडिंग वर्क मेरे को छोड़ना नहीं होता जितना हमारा काम होता है, तो उन्होंने देखा ऑफिस में सब सभी लाइन मतलब चाहे काउंटर बंद हो गया बट सारे लोग बैठ के काम कर रहे, तो उनको भी लगा यार मतलब जितना लोग सोचते हैं ना उतने से बहुत अलग है, क्योंकि लोगों कितने दूसरों की सुन सुन के काम नहीं होता, ये सब सोच सोच के लोग सोचते हैं कि काम ही नहीं होता सरकारी ऑफिस में, बट सच में बहुत काम होता है, और बहुत सारा जितना हो सकता है मतलब हम अपना बैठ देते हैं, और आप भी लोग आ रहे हो पोस्टल एजेंट हैं हम लगे हैं, आप भी आओगे थोड़े टाइम बाद कोई भी आपको ऑफिस मिले तो देखो आप अपना बैच देने की कोशिश करना, और देखो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है या तो कोई आपका स्टाफ मेंबर आपकी हेल्प कर देगा, नहीं होता तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझे थोड़ा बहुत जितना पता होगा मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मैं करवा दूंगा, क्योंकि अश्विन सर हैं गुड्डू सर हैं इनको बहुत नॉलेज हो चुकी है, तो इनसे आपको पूछ के कुछ भी हो सका वो आपको बता दूंगा। और देखो अपन लोग अब आए हैं तो गवर्नमेंट में अपन आए हैं तो अपन को लोगों की हेल्प ही करनी है, तो जितना हो सके उनकी हेल्प करना, वो भी खुश रहेंगे अपन भी खुश रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।